मैनेजमेंट प्रणाली पर आधारित इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रतिभागियों के लिए ये कहना चाहूंगा कि एक शॉर्ट एंड नोटबुक का प्रयोग करें और उस नोटबुक के मध्य में एक लाइन लगा कर रखें ताकि जल्दी से जल्दी लिखने में आपको आसानी रहे, और उस नोटबुक के लेफ्ट में कोने को मोड़ के रखें ताकि पेज पलटने में भी आपको दिक्कत ना आए। डिक्टेशन लिखते समय अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेट की गई है। डिक्टेशन को लिखते समय एकाग्रता बनाए रखें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी। उपसभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का समय दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे बोलने के लिए कुछ अधिक समय दिया जाए, क्योंकि मुझे काफी बातें इस सदन के सामने रखनी हैं। मुझे आशा है कि आप मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। हमारा देश एक विकासशील देश है, इसलिए हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने साधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि हमारे देश का संपूर्ण विकास संभव हो सके और विश्व में हमारा सम्मान बढ़ सके। लेकिन विश्व में हमारा सम्मान तभी होता है जब हम अपने देश में मजबूत हों, जब अपने देश में हमारी ताकत हो, जब हम अपने देश से गरीबी को मिटा सकें, जब देश से बेरोजगारी को दूर कर सकें, तभी देश का सम्मान बाहर की दुनिया में भी बढ़ता है। हमारी एकता और हमारे अंदर आपसी सहयोग, यह बहुत जरूरी है। आज सारे देश को एक होकर एक राष्ट्रीयता की भावना से रहना चाहिए। मैं यह भी नहीं कहता कि कोई विरोधी दल सरकार की आलोचना ना करे। सरकार की जितनी भी आलोचना करनी हो लोकतंत्र के ढंग से करें, हम उसका स्वागत करते हैं। महोदय, सदन में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं और उन्हें अवगत कराना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता और देश की एकता को बनाए रखकर अपना एक नया समाज बनाकर अपने समाज में क्रांति करके हमको अपने देश को मजबूत बनाना है, और यही विश्व में हमें मजबूत बनाएगा। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े तो फिर ऐसे नौजवानों का होना अत्यंत आवश्यक है जो चरित्रवान हो, जिनमें अनुशासन हो। यदि इस देश के नौजवान इस भावना के साथ देश को आगे ले जाएंगे, देश का मार्गदर्शन करेंगे, देश के नेता बनेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा भविष्य अच्छा होगा। महोदय, इस देश का गरीब आदमी, एक साधारण आदमी और एक मजदूर आदमी अच्छी प्रकार जीवन बिता सके और साथ ही साथ उसकी जरूरत की चीजें उसको आसानी से मिल सकें, इसका पूरा प्रयास हमें करना है। तभी शांति और समृद्धि हमारे देश में होगी और देश की जनता प्रसन्न होगी। हमें अपनी
योजनाओं को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि औद्योगिक विकास और कृषि विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हों। मेरे लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि अब सरकार ने कृषि विकास करने के लिए किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यह अच्छा निर्णय है और आशा की जाती है कि इसका परिणाम भी अच्छा ही होगा, परंतु यह देखने में आया है कि भागीदारी के नाम पर किसानों से मजदूरी का काम कराया जाता है। यह उचित नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के ग्रामीण विकास में किसानों की भागीदारी हो जाने से ही कृषि और किसान दोनों का एक साथ विकास हो सकता है। स्टॉप।